जो MPAs हैं उनकी वाइफ भी यहाँ पे, जो अकरम उस्मान जो के यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA है, उनकी वाइफ और मियाँ महमूदुर रशीद की साहबजादी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा, आज हकीकी आज़ादी मार जो है वो इमरान खान की क़यादत में रवा दवा है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, आप देखें सुबह से ये लोग एक जम्मे गफीर, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान इधर इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान का। और खान साहब के साथ एक बहुत, उनके साथ एक अलहदा एक बहुत बड़ा काफ़िला है वो यहाँ से गुजरेगा। सुबह से हम सब लोग यहाँ पे इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब लोग बेताब हैं खान साहब को देखने के लिए, उनकी रैली को ज्वाइन करने के लिए, अपना आज़ादी मार्च का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि क्या हकीकी आज़ादी मार्च जो मकासद है इमरान खान साहब के, वो पूरा हो जाएगा आज़ादी मार्च के बाद? देखें इतनी बड़ी पब्लिक का निकलना और डेमोंस्ट्रेशन इट्सेल्फ, ये एक बहुत बड़ा जो है लैंडमार्क है, ये बहुत सिंबॉलिक है। इतने लोगों का निकलना, लीडर के लिए खड़े होना, बेताब होना, हकीकी आज़ादी को जानना, पहचानना, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, ये एक बड़ी, बहुत बड़ी चीज़ है जो कौम को शऊर आ गया है। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले मुस्लिम लीग नून ने भी यहाँ से आज़ादी मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने भी किया, फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया, उनका आज़ादी मार्च जो है वो सिर्फ मार्च हुआ और बस ख़त्म हो गया। जबकि अगर बात की जाए तारीख में तो वुकला का आज़ादी मार्च जो मार्च था, वुकला का मार्च वो कामयाब हुआ था। आप समझते हैं कि आपका मार्च कामयाब हो जाएगा और आप जो हुकूमत है उसको गिराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए ये बड़ा सिंबॉलिक है, मैं आपको वही तो बता रही हूँ ना। जी ठीक है, मुर्तदास आप हमारे साथ ही रहेगा। आपको बताएं कि PTI का हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानब रवा दबा है और PTI क़यादत कंटेनर्स पर मौजूद है, कारकुनान का जोश खरोश अरूज पर है और पार्टी परचम थामे PTI कारकुनान के नारेबाजी की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवाना शेख से। जी रिजवाना आगाह कीजिएगा। के साथ साथ सियासी गहमा गहमी रूज पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। इस्लाम जो चेयरमैन PTI इमरान खान का हकीकी आज़ादी जो है इस्लामाबाद की तरफ रास्तों की जानब से जो है वो रवा दवा है और वो खवातीन हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबका ही जोश जज्बा बहुत ज़्यादा दीदनी नज़र आ रहा है और सब ही खवातीन जो है वो हाथों में फ्लैक्स पकड़े हुए हैं, इमरान खान के जो है बैनर्स उठाए हुए हैं और फूलों की पत्तियां निछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान का काफिला जो है इछरा कैंप के पहुँचने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे साथ खवातीन मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, आप इस्लामाबाद जाओगे और क्या आप कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, हम इस्लामाबाद जाएंगे, खान साहब बुलाएं और हम ना आए ये कैसे हो सकता है? खान साहब ने पाकिस्तानी आवाम को जब भी आवाज़ दी है वो लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए हैं, तो इंशाल्लाह खत्ताला हम खान साहब के इस मार्च में खान साहब के साथ इस्लामाबाद तक जाएंगे और इस हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और जब तक खान साहब अपने मिशन। ठीक है रिजवाना शेख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शाहदरा में कप्तान का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा, मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से तैयारियों का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। कारकुन कप्तान की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं, ढोल और पार्टी तरानों पर कारकुनों के भंगड़े जारी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीला जान लेते हैं अपने नुमाइंदे MA फरीद से। MA फरीद बताइएगा, कारकुनान का जोश और जज्बा कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, शाहदरा में भी जो कारकुनान हैं वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके जो कप्तान हैं वो शाहदरा आए और उनका पुरतपाक यहाँ पे इस्तकबाल किया जाए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कंटेनर यहाँ पे लगाए गए हैं और हमारे साथ इस वक्त रावी टोन के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, कितने बेताब हैं अपने कप्तान के इस्तकबाल करने के लिए और किस तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बात तो ये है कि इस्तकबाल के लिए ये देख सकते हैं आप कितने के वाम यहाँ पे मौजूद है और आप ये देख सकते हैं पीछे कि हमने तोड़ों के तोड़े मनों के हिसाब से हमने फूलों की पत्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं कि खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह हमने उनको वो फूलों की बरसात करनी है। मनोमन यहाँ पे जो फूलों की पत्तियाँ हैं यहाँ पे रखी गई हैं उनके इस्तकबाल के लिए, ये यहाँ कहना था सेक्रेटरी जनरल रावी टोन यूथ विंग का। हमारे साथ यहाँ पे दीगर कारकुनान भी मौजूद है जो दूर दराज से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या करने आए हैं यहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैं सुहास से आया हूँ यहाँ पर इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए और इंशाल्लाह हम इमरान खान के इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हम हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए जाएंगे इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे सुना कि दूर दराज से यहाँ पे कारकुनान यहाँ पे पहुँचे हैं यकजहती के इजहार के लिए अपने कप्तान से। यहाँ पे कुछ कैप बेचने वाले भी यहाँ पे दूर दराज से आए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, जिन्होंने ऊपर जो कैप्स हैं वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिसपे ये भी लिखा हुआ है क्या हम कोई ग़ुलाम है पीटीआई, और इस झंडे भी यहाँ पे वो फरोख्त कर रहे हैं। ये कहाँ से आए हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी भाई, आप कहाँ से आए हैं? हम पिंडी से आया। पिंडी से आया, क्यों इतनी दूर से यहाँ पे? मोहब्बत है खान साहब से, मोहब्बत है, बस जिधर खान साहब जाते हैं हम उसके साथ ही जाते हैं, कराची तक हम जाते रहते हैं। तो ये जो टोपियां और ये जो आपने जो झंडे हैं ये खुद तैयार करते हैं? हम खुद तैयार करते हैं, और लोग मोहब्बत से ले रहे हैं, और पार्टी वाला हमारे पास है लेकिन वो नहीं बिकते हैं, ये मोहब्बत से लोग ले रहे हैं। खान साहब पार्टी वाले लोग नहीं लेते? नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे बात सुनी जो कि यहाँ पे पिंडी से स्पेशल तौर पे आया हुआ है, जो अपने हाथ से जो बनी जो टोपियाँ और यहाँ पे जो झंडे हैं वो फरोख कर रहा है, जो है वो पार्टी तरानों पे भी रक्स वो जारी है, और बड़ी बेताबी से यहाँ पे कारकुनान की जानिब से जो है वो यहाँ पे शिद्दत से। जी ठीक है, एम ए फरीद आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करने के लिए एम ए कॉलेज चौक में कारकुनान का जोश इतनी है, पार्टी तरानों पर कारकुनान के भंगड़े और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद एम ए कॉलेज में मौजूद है। मैं सी जानते हैं नुमाइंदे नईम मलिक से। जी नईम, क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम यू कॉलेज चौक पे, जहाँ पे हमाद अजहर की जानब से इस्तकबालिया पे कैंप लगाया गया है, जहाँ पे जो कि कारकुनान की बड़ी तादाद में आमद है, कारकुनान जोश नज़र आ रहे हैं, पार्टी तरानों पर यहाँ पे कारकुनान भंगड़े डाल रहे हैं, और यहाँ पर जो कि अपने कायद इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, इससे बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या लेने हैं, क्या लेने आए हैं उकाड़ा से, क्या लेने आए हैं यहाँ पर, क्या लेने आए हैं? हम इमरान खान का साथ देने आए, लॉन्ग मार्च में शमूलियत करने आए हैं, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इनके मस्जिद से उतार कर साथ सांस लें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कि कारकुनान बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, कारकुनान जो कि पार्टी तरानों पर भंगड़े। जी ठीक है, हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल के जानिब रमा दबा है, और पीटीआई क़यादत कंटेनर्स पर मौजूद है, कारकुनान का जोश खरोश शुरूज पर है, पार्टी परचम थामे पीटीआई कारकुनान के नारेबाजी भी की जा रही है। हमारे नुमाइंदे हमारे से मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया था शेख उमर दराज, अशरफ मेहताब, रिजवाना शेख, एम ए फरीद और नईम मलिक ने, तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। चाहते हैं कि हम इस संपूर्ण हुकूमत को इनके मस्जिद से उतार कर साथ सांस लें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कि कारकुनान बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, कारकुनान जो कि पार्टी तरानों पर भंगड़े। जी ठीक है, हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल के जानिब रमा दबा है, और पीटीआई क़यादत कंटेनर्स पर मौजूद है, कारकुनान का जोश खरोश शुरूज पर है, पार्टी परचम थामे पीटीआई कारकुनान के नारेबाजी भी की जा रही है। हमारे नुमाइंदे हमारे से मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया था शेख उमर दराज, अशरफ मेहताब, रिजवाना शेख, एम ए फरीद और नईम मलिक ने, तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।